मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी, बनारस जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सफल कीजिए अपना मानव जीवन। यमुनोत्री का दर्शन कर यम त्रास मिटाइए, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का दर्शन कर मोक्ष प्राप्त कीजिए। उत्तर भारत के लिए अगली यात्रा निर्धारित की गई है 27 सितंबर 2023 से लेकर 22 अक्टूबर तक। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन खातिर कॉल कर 5701-9809 या तो 5949-8703 पर। पावन चार धाम की यात्रा का अपना सपना साकार कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। नमस्ते, यात्रा प्रोग्राम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करत है जा। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप जहां भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा और हमनी के साथ जुड़गल होइबा। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पूरी टीम के तरफ से आप सब लोग के शानदार स्वागत करते हैं जा। भाई बहन लोग, आज की यात्रा प्रोग्राम में आपके लिए जाते हैं जा। सात गो अजूबा में से एक गो अजूबा ताजमहल। जी हाँ, ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एगो विश्व धरोहर मकबरा और विश्व के सात अजूबा में से एक गो है। एकर निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपन पत्नी मुमताज की याद में करल गल रहल। मुगल सम्राट शाहजहां के समय में मुगल वास्तुकला अपन चरम शिखर पर रहल और ताजमहल उस सब वास्तुकला के उदाहरण में सर्वप्रसिद्ध रहल। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के सदस्य लोग के अहो भाग्य रहल कि ई अजूबा के दौरा करे के और यादगार के रूप में फोटो निकाले के मौका भी मिलल। भाई बहन लोग, जिसे बोली ला जा कि विश्व के सात गो अजूबा बा और इस सात गो अजूबा यदि अगर दौरा कर लेला तो जीवन सफल मानल जाला। आज एगो अजूबा के दर्शन आप लोग के करावत है जा ताजमहल के रूप में। ताजमहल मुगल वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूना है। एकर वास्तु शैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला घटका के एगो अनोखा सम्मिलन है। वेलकम टू ताजमहल। मेरा नाम आरिफ खान है और मैं आप लोगों को यहाँ पर गाइड करेगा इस पूरे ताजमहल को। ठीक है, अभी हम यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसको कहा जाता है फोर कोर्ट यार्ड, वो इसलिए क्योंकि यहाँ फोर गेट्स एंड फोर गार्डन्स है। ये फोर गार्डन्स है और फोर गेट है। ईस्ट गेट जहाँ से अभी हम लोग आया,
वेस्ट गेट, इसके अपोजिट में है। हमारे पीछे है साउथ गेट और आपका पीछे है नॉर्थ गेट। बट ये इनका जो रियल नेम नहीं है, इनका रियल नेम है, वेस्ट गेट का रियल नेम है फतेहपुरी बेगम गेट। फतेहपुरी बेगम शाहजहां का पहला वाइफ था। अपोजिट में है ईस्ट गेट, ईस्ट गेट का रियल नेम है सरंदी बेगम गेट। सरंदी बेगम शाहजहां का दूसरा वाइफ था। ये वाला गेट है साउथ गेट। साउथ गेट को कहते हैं लेबर कॉलोनी गेट, बिकॉज जिस ताजमहल को बनाया था 20,000 लोगों ने, वो इसके आउटसाइड में रहता था, वो इसको एंट्री और एग्जिट के लिए यूज करता था, इसलिए इस गेट को लेबर कॉलोनी गेट कहते हैं। ठीक है, आपके पीछे है रॉयल गेट। रॉयल गेट फॉर द रॉयल पर्सन, यानी कि शाहजहां, शाहजहां राजा था तो वही लोग इस गेट को यूज करता था एंट्री के लिए। इस गेट का हाइट 105 फीट है। और वह देख रहा है आप अरेबिक लेटर्स लिख रहा है, अरेबिक कुरान का अरेबिक लिखा है, होली बुक कुरान, उसका मॉर्निंग प्रेयर है। जब शाहजहां मॉर्निंग में आते थे तो वो उसको पढ़ता था, फिर ताजमहल के अंदर एंट्री करता था। ठीक है, और आप छोटा छोटा डोम देख रहे हैं ऊपर में, कितना डोम है काउंट करके बताइए। 11। ये सिग्निफिकेंस है, बिकॉज 360 साल पहले कोई कैलेंडर कैलकुलेटर नहीं होता था, तो लोगों को कैसे पता चले कि ताजमहल 22 साल में बना, तो ये उसका सिग्निफिकेंस है। जब एक साल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो वहाँ पर एक डोम बनाया, दूसरे साल में दूसरा डोम। इस तरह ताजमहल को बनने में 22 साल लगा और यहाँ 22 डोम बना, 11 इसके फ्रंट में बना, 11 इसके बैक में बना। तो ताजमहल जो बना 22 साल में बन के कम्प्लीट हुआ और 20,000 लोगों ने इस ताजमहल को बनाया। 1904 कोड़ी दू में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनल रहल। साधारण रूप से देखबा त ई ताजमहल संगमरमर के सिलिल से बड़ा बड़ा परतों से ढक कर बनावल गल बाते, यानी कि दूर नगर से ई सब संगमरमर लानल गल रहल। ई सब संगमरमर के आने खातिर कितनी मना कर्मचारी लोग एकर में जुटल रहलन जा और एकर निर्माण कर ले रहलन जा। उस समय के सबसे बेहतरीन औचित्यक लोग इनकरा बनैले रहलन जा और जितना भी कारीगर लोग रहल सब माहिर रहलन जा। ताजमहल बड़ी बारीकी से बनावल गल बाते। एकर केंद्र बिंदु एगो वर्गकार नींव आधार पर बनल श्वेत संगमरमर से मकबरा बनावल गल। इस इमारत के ऊपर एगो बृहद गुम्बद सुशोभित ताजमहल के मूलाधार एगो विशाल बहुकक्षीय संरचना है। ई प्रधान कक्ष धनाकार है, जेकर प्रत्येक किनारा 55 मीटर के है। मुख्य आधार के चारों कोना पर चार विशाल मीनार पावल जाला, यानी कि चार गो सुंदर कोलन। प्रत्येक मीनार 40 मीटर ऊंचा बाते। प्रत्येक मीनार दू दू गो झज्जा पर तीन समान भाग में बांटल गल बाते। शाहजहां इंडिया का 5th मुगल एम्परर, उसने ये ताजमहल बनाया अपनी थर्ड वाइफ मुमताज की याद। बट मुमताज ने इस ताजमहल को नहीं देखा, बिकॉज उनका डेथ ताजमहल के बनने से पहले हुआ। 1630 में उनका डेथ हुआ था ऑन अ ड्यूरिंग 14th बर्थ बेबी टाइम व्हेन शी डाइड, मतलब जब उनका डेथ हुआ वो 14वें बच्चे की डिलीवरी के टाइम पर उनका डेथ हुआ। बुरहानपुर, बुरहानपुर एक जगह है मध्य प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश है, एक मध्य प्रदेश स्टेट है इंडिया का, वहाँ उनका डेथ हुआ। तो मुमताज ने मरने से पहले तीन प्रॉमिस किए शाहजहां से, आप लोगों को शादी नहीं करना है, बच्चों को ख्याल रखना है और उनके लिए खूबसूरत मकबरा बनाना है जिसे हम ताजमहल कहते हैं। तो शाहजहां ने वैसे ही किया, शादी नहीं किया, बच्चों को ख्याल रखा और उनके लिए एक मकबरा बनाया जिसे हम ताजमहल कहते हैं। तो ताजमहल का जो स्टार्टिंग हुआ, उसका कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ वो 1631 में ये बनना स्टार्ट हुआ एंड 1653 में बन के कम्प्लीट हुआ। तो टोटल 22 ईयर लगा ताजमहल को बनने में। ठीक है,
और जैसे कि मैंने, लेकिन यहाँ पर एक कहावत है, आप नीचे यहाँ बता दें, कहते हैं कि जब ये ताजमहल पर तैयार हो गया जितने भी कामगार थे उनके ये सच बिल्कुल झूठ बात है, वो मैं भी आपको बताऊँगा क्यों का कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो आप देख रहे हैं 22 डोम्स, दिस इज द सिंबल ऑफ द ईयर्स, और ताजमहल एक परफेक्ट सिमेट्रिकल बिल्डिंग है। जो भी चीज़ हम यहाँ के फ्रंट में देखेंगे एग्जैक्टली बैक साइड में हमको वही देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल रॉयल गेट, फ्रंट में हमने देखा एग्जैक्टली सेम था और यहाँ से आप देखिए एग्जैक्टली सेम है, टोटल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं ताजमहल, ताजमहल का जो हाइट है वो है 243 फीट, यानी कि 75 मीटर, और इसका जो ब्रिथ है वो भी सेम है 75 मीटर। तो ये जो बना है एग्जैक्टली स्क्वायर में बनाया हुआ है, ठीक है। ब्रास का पेनिकल आप देख रहे हैं टॉप पर जो लगा हुआ है, उसका मेटल का जो ऊपर है टॉप पे, उसका हाइट है 10 मीटर। इट्स लुक लाइक अ वेरी स्मॉलर, बट ये इसका जो एक्चुअल हाइट है वो 30 फीट है। और ये मुगल टाइम में जितना भी आप छोटा बड़ा पेनिकल देख रहे हैं सारा गोल्ड का हुआ करता था, बट अभी ये गोल्ड नहीं है, अभी ये ब्रास है। 1901 में इसको रिप्लेस किया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने सारा गोल्ड यहाँ से रिमूव करा दिया और यहाँ ब्रास लगा दिया। जितना भी टॉप पर आप देख रहे हो सारा ब्रास लगा है, बट ये मुगल टाइम में सारा गोल्ड था। इस ताजमहल को 20,000 वर्कर्स ने वर्क किया था, और इसके मेन इंजीनियर्स थे, आर्किटेक्चर थे, वो थे तीन। जो तीन 20,000 जो वर्कर्स थे वो जो तीन इंजीनियर्स उनके जो हेड हुआ करते थे, मैं उनके नाम आपको बताता हूँ। फर्स्ट आर्किटेक्चर का नाम है उस्ताद ईसा खान अफांदी फ्रॉम टर्की, सेकेंड आर्किटेक्चर मोहम्मद अमानत खान शिराजी पर्शिया जिसे हम अभी ईरान कहते हैं, और थर्ड एंड लास्ट अहमद लाहौरी। तो जैसे कि आपने मुझसे अभी कहा कि जिन लोगों ने ताजमहल में वर्क किया था, वर्क कंप्लीट होने के बाद उनके हाथों को काट दिया गया था, रियल में फिजिकली किसी का भी हाथ नहीं काटा गया था। उन वर्कर्स को शाहजहां ने बहुत सारा पैसा दिया था एडवांस में, और उनसे कहा गया था कि आप किसी और के लिए वर्क नहीं करोगे, तो अदरवाइज किसी और किंग का उनके पास कॉन्ट्रैक्ट आता था किसी भी बिल्डिंग के लिए, तो वो मना कर दिया करते थे हम काम नहीं करें। उनका जो हाथ काटा गया था फिजिकली उनका हाथ नहीं काटा गया था, उनका रिटर्न में हाथ काटा गया था बहुत सारा पैसा देके कि आप लोगों ने वर्क नहीं करना है, ऐसा एग्रीमेंट उनसे साइन कराया गया था कि आप लोग वर्क नहीं करोगे फिजिकली किसी का भी हाथ काटा, मतलब कि हाथ काट देना इट मींस किसी को खरीद लेना, एक मुहावरा है। एंड जो भी वर्कर यहाँ पर वर्क किया करते थे वो कोई स्लेव नहीं थे, वो हाईली पेड वर्कर थे, और यहाँ से नहीं बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर काम करने के। ताजमहल के मोहब्बत के प्रतीक मानल जाला। ताजमहल के निर्माण शाहजहां अपन बेगम मुमताज खातिर बनवैले रहलन, कहे कि उनकर से बेपना मोहब्बत करत रहलन। ताजमहल के पूरा होइला के तुरंत बाद ही शाहजहां के बेटा औरंगजेब उनकरा एगो किला में बनकर दिले रहल, लेकिन उनकर ई मांग रहल कि जब हमके किला में बंद करत हुए तो हमके एगो ऐसा जगह में बंद कर जहाँ से हम सकब ताजमहल के देख के अपन मुमताज के याद करे। वी से उनकरा लाल किला में बन कर अलगल जन एकदमे ताजमहल के आमने सामने बाते। शाहजहां के मृत्यु के बाद उनकरा मुमताज के बगल में दफना देवल गल हते। अंतिम 19वीं सदी होते होते ताजमहल के हालत काफी जीर्ण नशीर्ण हो गल रहल, और ये भी मानल जला कि ताजमहल जनबा ऐसा सामान से सामग्री से बनावल गलबा जो नमी खोजेला, और ये नमी जनबा उनकरा और मजबूत रखेला मजबूत करेला, पर हजा परी सूखा के कारण जनबा नमी कमती हो गल, और आज भी ताजमहल के अनेक जगह पर क्रॉक्स यानी कि तोहरा दरार लौकेला। 1802-7 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ताजमहल के ब्रिटिश सैनिक लोग और सरकारी अधिकारी द्वारा काफी निरूपण सहे के पड़ल। उ लोग बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न तथा लैपिज लजूली के खोद खाद के दीवार से निकाल के लेके गए, एकर से ताजमहल के सुंदरता फीका पड़ गल। सरकार द्वारा फेरों से पुनर्निर्माण करल गल। ताजमहल प्रत्येक बरिस 20-40 लाख दर्शक के आकर्षित करेला। इनकरा पर्यटक लो खातिर एगो आकर्षण के केंद्र भी मानल जाला, जेकर में 2 लाख से जस्ती विदेशी लोग रहेला।
अधिकतर पर्यटक लोग हैजा परी अक्टूबर नवंबर और फरवरी के महीना में आवेलन जा और हैजा परी काफी गरम करेला गरम के मौसम है और हैजा के घाम जुनबा त्वचा के सकी जला दी इतना जोड़ ले घाम करेला। स्मारक के मुख्य द्वार भी एगो स्मारक स्वरूप है। ये संगमरमर एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित बाटे। ये आरंभिक मुगल बादशाह के वास्तुकला के स्मारक है। इस समूह के सुदूर छोर पर दुगो विशाल लाल बलुआ पत्थर के इमारत है जो इनकी मकबरा के ओर सामना करल गल बाटे। इनकर पिछवाड़े पूर्वी एवं पश्चिमी दीवार से जुड़ल बाटे और दोनों ही एक दूसरे से प्रतिबिंबित आकृति के बाते। सफेद संगमरमर से बनल ताजमहल विश्व भर में मोहब्बत के प्रतीक मानल जाला। ढेर कोई ऐसा भी बातें अपन मोहब्बत के बयान करे खातिर छोटा कुन ताजमहल उपहार के रूप में देवल जाला। तक कुछ लोग माने रंजा कि ताजमहल जुनबा मृतक लोग के प्रतीक है उसे घर में इनकरा नहीं रखल जाला। विश्व भर में कितने भी लेखक इतिहासकार कवि लोग रलंजा जैन ताजमहल के प्रशंसा कर लंजा और ढेर को शाहजहां और मुमताज के मोहब्बत के मिसाल दे लंजा। पर मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रवादी कवि एकमात्र कवि रलन जैन इनकरा निंदा के नजर से देखलन निंदा करके कर रचना करलन। ढेर कोई आज भी इस सुंदर अजूबा के दर्शन कर आवे लंजा और फोटो के रूप में याद संजो के जा लंजा। ताजमहल आज भी उस स्थान पर खड़ा बा जहाँ पर एक जमाना में शाहजहाँ कपाड़ उठा के जिया रहल अपन मुमताज खातिर। पर आज ई ताजमहल के लिए के ढेर मना विडम्बना ढेर मना के बात चलेला। ढेर कोई मानेला कि ताजमहल बने से पहले हैजा पर मंदिर रहल फिर इनका मस्जिद बनावल गल त इस सब अनेक प्रकार के बात सुने के मिलेला। ताजमहल के आसपास प्रदूषण फैलाई होला वाहन के मनाही है। उसी से हैजा इलेक्ट्रिक कार भी पर्यटक लोग के घुमावेला। ये इमारत के निर्माण सदा से प्रशंसा और विस्मय के विषय रहल बाते। एकर में धर्म संस्कृति और भूगोल के सीमा पार कर लोग के करेजा में प्रहार कर ले बाते। एगो पुराण कथा के अनुसार शाहजहाँ के इच्छा रहल कि यमुना के उस पार भी ठीक ऐसन ही एगो काला ताजमहल के निर्माण करल जाए जेकर में उनकर कबर बनावल जाए। पर उनकर ई सपना पूरा ना भैल। आज भी ढेर कोई खोज कार्य करला के बाद बतावे रंजा की हैजा परी खुदाई होल बाते पारे जिसे ताजमहल बनावल गल बा पर ओकर निर्माण नहीं करल गल। ये भी मानल जाला कि काला ताजमहल नहीं बनल कहे कि जिन सफेद ताजमहल के निर्माण करले रलंजा उ लोग के हाथ काट दिया गल रहल। सफेद ताजमहल के बीचों बीच में गुम्बद होला गुमटी भी बातें जो पहले पहरा के काम आवत रहल परंतु अब संग्रहालय बन गल बाते। आप देख रहे हैं दिस इज द सेकंड होली रिवर ऑफ इंडिया। फर्स्ट वन इज गंगा सेकंड वन इज यमुना एंड सी द रेड बाउंड्री फ्रॉम द डाउन साइड वहाँ पर जो आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड ब्लैक ताजमहल फाउंडेशन। ये वो जगह है जहाँ पर शाहजहाँ ने एक ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे अपने लिए। व्हाइट अपनी वाइफ के लिए बनाया ब्लैक अपने लिए बनाना चाहते थे बट वो नहीं बना सके अपने बेटे औरंगजेब की वजह से।
क्योंकि उन्होंने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया था 1658 में आगरा फोर्ट के अंदर। क्यों उसको बंद कर दिया था वहाँ? पैसे की वजह से। 4 करोड़ सोने का सिक्का लगा था इसको बनाने में, उसको बनाने में 10 करोड़ सोने का सिक्का लग रहा था इसी वजह से। और रिजर्व ने अपने फादर से कहा कि ये सारा पैसा जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है और ये एक रिजर्व मनी है, अगर किसी क्राइसिस में काम में आएगा, कोई आर्मी अटैक करेगा या कुछ भी क्राइसिस हुए तो वहाँ पर हम इसको यूटिलाइज कर सकता है। बट औरंगजेब शाहजहां थे अपनी जिद पर अड़े हुए थे, कह के नहीं मुझे बनाना है। 1658 में औरंगजेब ने अपने फादर को थ्रोन से हटा दिया और उन पर बैठ के खुद किंग बन गए। 1658 के बाद उनको फिर वहाँ पर अरेस्ट करके रखा गया आगरा फोर्ट में। ये वही जगह है जहाँ से वो ताजमहल को देखा करते थे जब उनका आइट साइट ठीक था। जब उनका आइट साइट ठीक था वो वहाँ से देखते थे, जब उनका आइट साइट वीक हुआ तो वहाँ पर एक मिरर सेट किया गया जिसके रिफ्लेक्शन से ताजमहल वहाँ जाता था। 1658 के बाद 66 में शाहजहां का डेथ हुआ, तो मरने से पहले शाहजहां ने एक विश किया कि जब मेरा डेथ हो जाए तो मेरी बॉडी को मेरी वाइफ के पास अपनाया जाए। तो एग्जैक्टली जब उनका डेथ हो गया तो उनकी बॉडी को भी वहाँ से यहाँ ला गया। तो भाई बहन लोग, ये रहल आज रात के कार्यक्रम जो नाधारित रहल ताजमहल पर ये यात्रा के गो अंश रहल। कहे की यात्रा करते करते हजा के ऐतिहासिक चीज और अजूबा भी देखे के मिलल हते। उम्मीद करते हजा के आज के कार्यक्रम आप लोग के पसीनाल हुई। आप लोग के साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। आवत सप्ताह मिलब जा ही बखत यही चैनल यही कार्यक्रम के साथ। तब तक पूरी टीम के आज्ञा दा शुभरात्रि, नमस्ते। जीवन बार बार नहीं मिलता, यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ काशी बनारस जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सफर कीजिए अपना मानव जीवन। यमुनोत्री का दर्शन कर यम त्रास मिटाइए, गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ का दर्शन कर मोक्ष प्राप्त कीजिए। उत्तर भारत के लिए अगली यात्रा निर्धारित की गई है 27 सितंबर 2023 से लेकर 22 अक्टूबर तक। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन खातिर कॉल कर 5701-9809 या तो 5949-8703 पर। पावन चार धाम की यात्रा का अपना सपना साकार कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ।